never mind. हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सेटिस्फैक्ट्री। सो फाइनली अपन लेके आ चुके हैं और धमाकेदार एपिसोड। ओके, सो रिसेंटली एपिसोड में यार हमने फाइनली ट्रेंस का डिस्कस हमने कर लिया था। ओके, सो ट्रेंस हमने ड्राइव करी थी लास्ट वाले एपिसोड में और हमने यहाँ पे स्टेशन वगैरह और ट्रैक वगैरह बना लिए थे। ओके, और जैसा कि मैंने बोला था कि भाई हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में बनाने वाले हैं कुछ न्यूक्लियर फ्यूल का जुगाड़ करने वाले। ओके, सो आज उसी का हम सेटअप करने वाले। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो जहाँ पे अपन यहाँ पे नहीं जाना यार, अभी तो यहाँ पे तो एक ही सच बची हुई। ओके, जहाँ पे जाना है अपने को। ओके, सो हम देखते हैं कि हमें करना क्या है यार, एटलीस्ट अपने को न्यूक्लियर प्लांट चलाने के लिए। ओके, इसको चलाने के लिए क्या करना है। ओके, सो मैंने थोड़ा पता कर लिया है, इसको चलाने के लिए ना न्यूक्लियर फ्यूल रोड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो हम करने क्या वाले हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल रोड बनाने वाले हैं आज। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कंज्यूम्स न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स टू प्रोड्यूस पावर हैज़ एन इनपुट सो लोडिंग कैन बी ऑटोमेटेड। न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम माइंड यूरेनियम। ओके, और ये प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट। ओके, तो ये न्यूक्लियर वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा चलेगा तब। ओके, सो यूरेनियम की माइन तो अपनी है ही टनल के अंदर, जो हमने कुछ एपिसोड पहले ही देखी थी। ओके, सो और उसी के पास में, तभी तो मैंने यार वहाँ पे वो फैक्ट्री बनाई थी। मैंने बताया था ना कि हमने वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल के लिए फैक्ट्री बनाई है। ओके, सो मैंने मशीनों को ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। ओके, सो आज हमें मशीनें स्टार्ट करनी है प्लस एक्सप्लेन करना है साथ साथ कि हमने बनाया क्या। ओके, सो फिलहाल तो हम किसी भी एक मैन्युफैक्चरर पे चलते हैं और रेसिपी के अंदर देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल रोड है यहाँ पे। ओके, सो ये बनेगी कैसे। ओके, सो इसको बनाने के लिए अपने को चाहिए यूरेनियम सेल चाहिए। ओके, प्लस एनकेस्ट बीम चाहिए, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड अपनी जो बनेंगी वो बनेंगी स्टार्टर प्लस एआई लिमिटर से एक बनेगी। तीन अपने को स्टार्टर देने पड़ेंगे। ओके, प्लस दो एआई लिमिटर देने पड़ेंगे और उससे अपनी सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड बनेगी। ओके, प्लस एनकेस्ट बीम तो है ही अपने पास और अपने को चाहिए यूरेनियम सेल। ओके, सो यूरेनियम सेल बनेगा कैसे, उसके लिए अपने को चलना पड़ेगा असम्बलर पे। ओके, सो नेक्स्ट वाले फ्लोर पे असम्बलर है। यस, कंप्यूटर हम बना रहे थे। ओके, यहाँ पे सो एक असम्बलर से देख लेते हैं अपन। ओके, यूरेनियम सेल बनाना अपने को। ओके, बाकी दो प्रोडक्ट है अपने पास, हम बना लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम यार यूरेनियम सेल। ओके, सो यूरेनियम सेल बनाने के लिए अपने को चाहिए ब्रोक्साइड चाहिए। ओके, सॉरी यूरेनियम चाहिए प्लस कंक्रीट चाहिए, इन दोनों से मिलके यूरेनियम सेल बन जाएगा अपना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉड स्टार्टर प्लस एलिमिटर से प्लस थर्ड वाला जो अपने को चाहिए था वो थी इनकेस्ट बीम। तो वो तीनों प्रोडक्ट अपने को चाहिए, तो उन तीनों से मिलके हम फाइनली बना सकते हैं एक न्यूक्लियर फ्यूल रॉड। ओके, और उसी अपन न्यूक्लियर प्लांट को चला सकते हैं। ओके, इस वाली बड़ी मशीन को, बहुत बड़ी मशीन है यार ये। वैसे इसको बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए प्लस हाई स्पीड कनेक्टर चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। वो भी हमें मैन्युअली हाथ से बनाना पड़ेगा ये फैक्ट्री बनाने के लिए। ओके, सो उसको भी हम बनाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आज हम ट्राई करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल रोड हम बना सकते हैं या नहीं। ओके, लेट्स ट्राई, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले एपिसोड हम कंप्लीट कर देंगे उसको। ओके, सो अपने को करना है क्या, सबसे पहले अपने को बनाना था क्या बनाना था यार, सीरियसली लेट्स गो। ओके, सो न्यूक्लियर फ्यूल रोड के लिए अपने को बनाना था। मैं सोच रहा था पहले हम बना लेते हैं, क्या बनाएं यार, पहले बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोड। ओके, क्योंकि यूरेनियम सेल तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते ना, उसके लिए तो वहाँ पे हमने फैक्ट्री बना के रखी है ऑलरेडी, क्योंकि यूरेनियम सेल के हम पास भी नहीं जा सकते हैं। ओके, क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन होता है और उसके अगर हम पास भी गए ना तो सारी की सारी अपनी हेल्थ चली जाएंगी। ओके, धीरे धीरे। सो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाएं, उससे पहले हम सूट बना लें, एक हैजमेट सूट के नाम से एक सूट अपना। ओके, वो अपने को बनाना पड़ेगा और फिर अपन जा सकते हैं उस मशीन के और मशीनों के आसपास। ओके, सो कन्वेयर बेल्ट वगैरह सब कुछ के अंदर रेडिएशन रहेगा वहाँ पे। सो ज़्यादा देर अपन वहाँ पे रह नहीं सकते, वहाँ पे रहने के लिए अपने को सूट चाहिए प्लस सूट को चलने के लिए अपने को फ़िल्टर चाहिए होंगे और फ़िल्टर बनाने थोड़े से मुश्किल हैं। ओके, सो
नेक्स्ट हमें करना क्या था कि AI लिमिटर बनाने थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड के लिए. ओके सो पिछले कुछ एपिसोड में यहाँ पे जो मशीनें थी ना अपनी वो थी ओनली 3. तो एक बारी मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ. ओके यहाँ पे ये करीब 3 मशीनें थी ना पहले. ओके अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी मशीनें बना दी हैं. ओके AI लिमिटर बनाने के लिए. ओके सो उनका मैनेजमेंट भी ज़बरदस्त है यार. ओके अपने को क्या कुछ करना है अभी. ओके सो मैं थोड़ा इनका निकालता हूँ एक्सप्लेनेशन एंड देन फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट कि इनके लिए अपने को क्या क्या चाहिए और कितना कुछ चाहिए. ओके ओके सो अपने को ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोड अपने को बनानी है कितनी. ओके सो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर फ्यूल रोड है ना वो हम एटलीस्ट 5 हम बना लें. ओके क्योंकि अपने पास वहाँ पे एक ही माइन है यूरेनियम की, जो कि अगर हम वहाँ पे MK माइनर 3 अपन ये वाला माइनर हम बना दें MK माइनर 3. ओके सो ये वहाँ पे कम से कम वो वाली नॉर्मल माइन है मे बी, और वो 600 निकाल सकती है अपना ब्रोक्साइट सॉरी यूरेनियम पर मिनट. ओके सो हम वो सारा का सारा इस्तेमाल कर सकते हैं और 600 यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम लोग करीब 5.3 न्यूक्लियर फ्यूल रोड पर मिनट बना सकते हैं. ओके और 5.3 न्यूक्लियर रोड अगर अपनी पर मिनट बनेंगी ना तो इनसे हम पता है कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं. 80,000 पावर हम इनसे बना सकते हैं विदाउट एनी इश्यू. और अभी अपना एक पावर प्लांट बना के मिल के कितना 7,000 ही पावर बना रहा है. और सिर्फ 5.3 न्यूक्लियर फ्यूल रोड अगर हमने बना लेना उससे हम 80,000 पावर बना सकते हैं. सो ये गेम चेंजर प्लान है अपना यहाँ पे. ओके सो हम इतनी पावर बनाने वाले हैं. सो मैंने प्लान बना लिया. ओके सो उसके लिए 5.3 न्यूक्लियर फ्यूल रोड बनाने के लिए अपने को कम से कम चाहिए 26.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड. ओके सो 26 यानी ऑलमोस्ट 27 अपने को चाहिए. ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड. ओके सो उनके लिए अपने को AI लिमिटर चाहिए होंगे कम से कम 53 पर मिनट. ओके सो ये वाली जो मशीन है ना कितना पर मिनट बनाती है, 5 पर मिनट बनाती है. ओके सो अपने पास यहाँ पे कितनी मशीनें रखी हुई हैं. ओके सो मैंने बनाई थी कितनी मशीनें यहाँ पे 3, 36 एंड 9. ओके 12, 14, 15, 16. ओके 16 प्लस 20. ओके करीब 20 मशीनें हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल, जो कि मिलके करीब 100 अपने AI लिमिटर बनाएंगी. ओके यहाँ पे 100 AI लिमिटर तक हम यहाँ पे बना सकते हैं. प्लस अपने को यहाँ से ओनली 53 चाहिए. ओके और बिकॉज मैंने यहाँ पे 100 इसलिए बनाया क्योंकि AI लिमिटर की ज़रूरत पड़ती रहती है और अपने पास उधर ना काफ़ी सारी क्विक वेयर वाले जो अपनी फैक्ट्री ना वो बंद पड़ी थी काफ़ी टाइम से, सो वो भी अपने को चलानी है. तो वहाँ पे करीब 4 लाइनें थी ना वो मैं चारों के चारों ले आया हूँ. और क्विक वायर जो अपने को चाहिए ना करीब वो 954 चाहिए पर मिनट. ओके और यहाँ पे अपनी करीब आ रही हैं 1250 के आसपास मे बी. ओके सो ये सारा का सारा इस्तेमाल होने वाला है AI लिमिटर बनाने में. ओके सो 3 लाइनें अपनी यहाँ पे हैं प्लस 1 लाइन तो अपनी इस्तेमाल हो ही रही है ऑलरेडी. ओके सो इनको मैनेज करने के लिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ बना दिया है. प्लस अपने को कनेक्ट करना है सभी मशीनों के अंदर पावर कनेक्टेड है. प्लस रेसिपी मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया. ओके सो मैंने ये ऑफलाइन बना दिया था क्योंकि अपना टाइम ख़राब नहीं होगा बनाने में जब भी अपन एपिसोड स्टार्ट करेंगे. ओके सो जैसे ही दिन होता नहीं यार रात हो रही यार अभी सब कुछ चमक रहा है. दिन होते ही हम इनको कनेक्ट करते हैं एंड देन फिर चलते हैं. ओके सो गाइस फाइनली दिन हो गया अपना. ओके जस्ट अभी दिन हुआ है. ओके सो अभी हम चलते हैं. ओके सो हम यहाँ पे बना रहे थे करीब 100 AI लिमिटर. ओके हम यहाँ पे बनाने वाले हैं. ओके सो उनका मैनेजमेंट ओके मैंने कैसे किया. ओके सो वो हम देख लेते हैं पहले. ओके सो एक मशीन पे चलते हैं हम सबसे पहले इस वाले पे एंड देन देखते हैं एक मशीन को चलने के लिए कितना चाहिए. सर्किट बोर्ड 10 पर मिनट चाहिए. ओके और क्विक वायर चाहिए 90 पर मिनट. ओके सो 10 सर्किट बोर्ड अगर हमें 20 मशीनें चलानी है ना तो 200 चाहिए हमें. सो यहाँ पे मैंने करीब 240 वाली लाइन मैंने बना दी है जिस जो लेके आ रही है अपने नीचे से सर्किट बोर्ड. ओके
वहाँ पे हम करीब 330 के आसपास सर्किट बोर्ड हम बना रहे थे, तो 240 हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, सॉरी 200 यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। ओके सो एक ही लाइन काफ़ी अपनी सभी मशीनों के लिए। ओके सो चार मशीनें तो अपनी ये वाली हो गई हैं, प्लस नेक्स्ट मशीनों को अपने को कनेक्ट करना है। सो मैं करता हूँ कनेक्ट नेक्स्ट वाली मशीन। ओके सो ये एम के थ्री वाली अपनी जो लेके जा रही थी वो 270 लेके जा रही है। ओके सो ये अपडेट में यार बढ़ा दिया थोड़ा इसका, नहीं पहले भी 270 ही लेके जाती मे बी। ओके तो मैं इसको कर देता हूँ कनेक्ट यहाँ से। ओके ऊपर की तरफ से हम लेके जाने वाले हैं सर्किट बोर्ड। ओके सो यहाँ से सारी लाइनों के अंदर सर्किट बोर्ड अपने फिल हो जाएंगे, नो इश्यू। ओके सो मैंने ना स्लो वाली लाइन इसलिए बनाई है कि देखने में थोड़ा ठीक लगता है, जैसे ये प्रोडक्ट नीचे उतर रहा है ना, देखने में भी एकदम सही लग रहा है, सीन ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में। ओके और इनके अंदर फिल हो जाएगा धीरे धीरे, प्लस किक वायर जो अपने को जो ज़्यादा चाहिए। ओके सो एक के लिए अपने को करीब 90 पर मिनट चाहिए था। ओके सो अपनी एक लाइन लेके आ रही करीब 450, कई हिसाब से मैंने जो सेटअप किया था ना अपनी मशीनों के अंदर से ही 450 मैंने लाइनें लगाई थी, प्लस ये वाली लाइन अपनी 400 से लेके आ सकती है, लेकिन फिलहाल तो मैं 450 ही हमने जो लाइनें कनेक्ट करी थी अपनी मशीनों से वो आ रहा अपना यहाँ पे 450 के एक लाइन से। सो हम एक ही लाइन से 5 मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सो अपनी फर्स्ट वाली दो लाइन ही होगी, दो लाइनें प्लस ये होगी 4 मशीनें। ओके एंड एक नेक्स्ट मशीन जो इस वाले के अंदर सेंड कर दिया मैंने, सो ये 5 मशीनें परफेक्ट चल सकती हैं एक लाइन से। ओके इस वाली लाइन से ये जो अपनी इस तरफ से घूम के आ रही है। ओके सो यहाँ पे 5 मशीनें अपनी परफेक्ट चल जाएंगी, नो इश्यू। सो अभी अपने जाना है नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट यहाँ से एक लाइन अपनी आएगी जो क्विक वायर लेके आएगी। ओके ये वाली लाइन, सो अपनी एक लाइन तो एक मशीन तो ये वाली हो जाएगी। ओके इस तरफ आ ही रहा है पहले से ही, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। सो आगे वाली दो मशीनें टोटल हो गई 3 मशीनें, प्लस नेक्स्ट दो मशीनें हो गई 5 मशीन। ओके सो ये 5 मशीनें चल जाएंगी उस इस वाली लाइन से। ओके इस वाली लाइन से और नेक्स्ट अपनी सेकंड वाली लाइन जो क्विक वायर लेके आएगी 450। ओके सो एक मशीन ये हो गई, प्लस आगे वाली 4 मशीन ये यहाँ तक ये चल जाएंगी अपनी सेकंड लाइन से, प्लस थर्ड वाली लाइन जो अपनी क्विक वायर और लेके आएगी 450 वो चल जाएंगी ये 5 मशीन लास्ट वाली 3 and 2 5। ओके सो ये 5 लाइनें मैंने जहाँ तक बना दी हैं इनका मैनेजमेंट करके। ओके बस इन लाइनों को कनेक्ट कनेक्ट करना है, मैं यहाँ तक ले आया हूँ। ओके डबल वाले स्टैक्स बना के। ओके सो मैं दिखा देता हूँ उस तरफ, ये यार देखने में भी एकदम नेक्स्ट लेवल लगती हैं। ओके यहाँ से करीब यहाँ से लेके आया मैं ये वाली लाइनें यहाँ से। ओके सो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर अपनी लाइनें घुस रही हैं, नीचे से नेक्स्ट लेवल सीन लगता है देख के भी भाई साहब ये। ओके सो अभी हम करने वाले इनको कनेक्ट, सो लेट्स गो। ओके सो हाई स्पीड यस, इसको करते हैं हम थर्ड वाले से कनेक्ट। ओके सो मैंने ऑलरेडी इस हिसाब से लाइनें बना के रखी है ताकि एकदम परफेक्ट जो डिजाइन से कनेक्ट हो। ओके इस हिसाब से पोर्ट इनके छोड़े हुए मैंने। ओके सो ये वाली अपनी जाएगी फर्स्ट वाली पे, प्लस ये जाएगी अपनी सेकंड और ये जाएगी अपनी थर्ड। ओके सो यहाँ पे अपनी तीनों लाइनें कनेक्ट हो चुकी हैं, नो इश्यू। और अभी इनके अंदर जाना फिलौना स्टार्ट हो जाएगा। ओके वैसे पता है मैं क्या सोच रहा था, ये सर्किट बोर्ड ना आने में काफ़ी टाइम लगाएंगे लास्ट तक पहुँचने में, तो क्यों ना ये मेन वाली लाइन है जो 350 से मैं कर दे 480 से मैं कर देता हूँ, प्लस ये वाली स्लो स्लो जाते रहेंगे इसके अंदर। ओके तो मे बी ये बेस्ट आइडिया रहेगा। ओके तब भी मे बी थोड़ा जल्दी अपना प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होएंगे। ओके सो मैं बीच वाली को रिप्लेस मार रहा हूँ। ओके हाई वाली से, ताकि अपना नीचे से रिसोर्स थोड़ा जल्दी आए सर्किट बोर्ड अपना। ओके ओके ये आइडिया अपना बेस्ट है, ताकि नीचे से हम फटाफट रिसोर्स लेके आ सकें। ओके ओके सो इसको मैं करता हूँ डिलीट एंड MK4 हम यहाँ से बना देते हैं।
सो एक बारी नीचे वाला में भी हाई स्पीड था, नहीं नॉर्मल वाले ये। ओके सो ये कन्वेयर बेल्ट भी अपने को अपग्रेड करनी है। ओके तभी स्पीड से जा पाएगा उसके ऊपर। ओके सो अभी चलते हैं वापस। ओके सो यहाँ से बस कनेक्ट करना अपने को और फिर प्रोडक्शन सुपर फास्ट अपना। ओके सो अभी टाइम नहीं लगेगा अपना खिलौने में। ओके अभी देखते हैं जल्दी एंड तक भी पहुँच जाएगा भाई साहब। यहाँ पे ना क्विक वायर वाली लाइन तो ज़बरदस्त चलती रहेंगी सारी की सारी, क्योंकि एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है अपनी। ओके देख रहे हो लास्ट में पहुँच भी गया है, जब सुपर स्पीड से आएगा ना तो लास्ट तक भी पहुँच जाएगा इजीली। ओके जल्दी इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाली मशीन भी बनाना स्टार्ट कर देगी जल्दी। ओके ओके सो ये आ रहा है, जैसे इसके अंदर जाएगा ये एलिमेटर बनना तैयार। ओके वाओ लाइन तो ऑलरेडी भरी हुई है यार अपनी यहाँ से। चलो ये वाला मशीन ने ऑलरेडी बनाया है एलिमेटर, ये नाइस। चलो अब ये लाइन मशीन में स्टार्ट हो चुकी है। ओके सो धीरे धीरे फिल हो जाएंगे, नो इश्यू। आगे अपना 350 आ रहा है ना, जल्दी फिल कर देगा वो सारी मशीनों का। ओके सो अभी अपने को नेक्स्ट क्या करना है कि AI लिमिटर अपने को लेके जाना है कहाँ पे, जहाँ पे हम बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड। ओके सो वहाँ पे अपने को एक और प्रोडक्ट चाहिए जिसका नाम है स्टार्टर। ओके तभी स्टार्टर और AI लिमिटर बन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोड बना पाएंगे कंट्रोल रोड। ओके सो अभी मैंने किया क्या है कि नेक्स्ट अपने को करीब 53 चाहिए। ओके उसके लिए AI लिमिटर, सो अपनी ये लाइन जा रही है यहाँ से AI लिमिटर लेके। ओके जे वाली लाइन जा रही है अपनी, मे बी यहाँ तक जा रही थी। ओके यस यहाँ पे। ओके और ये वाली लाइन कितना लेके आ रही थी यार, ये 240, यस 240 लेके आ रही है। सो यहाँ से करीब कंप्यूटर बनाने के लिए हम लेके जा रहे हैं। ओके सो ये एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ से, वहाँ पे करीब मे बी 15 ही चाहिए अपने को ओनली, और ये वाली लाइन 240 लेके आ रही है। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्प्लेटर बना दिया इस पर और हमने इसको कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट। ओके यहाँ से हम लेके जाने वाले हैं अपनी दूसरी फैक्ट्री पे। ओके सो ये लाइन जाएगी यहाँ से कंप्लीट इसके ऊपर से। ओके प्लस यहाँ पे मैंने कुछ हाई स्पीड बना दिया लाइन ने। ओके यहाँ से हम गए हैं यहाँ पे थर्ड वाले फ्लोर पे। ओके और यहाँ पे मैंने मशीनों का सेटअप बना दिया, जो मशीनें ये बनाएंगी वो बनाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड। ओके सो यहाँ पे रेसिपी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे अपने को स्टार्टर चाहिए, AI लिमिटर चाहिए। ओके सो यहाँ पे अपने को 4 पर मिनट चाहिए और अपनी मशीनें कितनी बनाई मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट थर रही 14 मशीनें मैंने यहाँ पे बना दी, 14 मशीनें। ओके यस 14 मशीन हमने यहाँ पे बनाई है। सो 14 मशीनों को चलने के लिए करीब 64 चाहिए। ओके नहीं 56 चाहिए। ओके रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी थी मैंने। ओके सो अपने आगे से करीब काफ़ी आ रहा है यार, 240 से 100 से ज़्यादा आ रहा है एटलीस्ट। ओके और अपनी जल्दी ये सारी लाइनें फिल हो जाएंगी विदाउट एनी इश्यू। ओके सो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट अपने को जो चाहिए वो चाहिए स्टार्टर। सो स्टार्टर बनेगा कैसे, स्टार्टर किस किस से बनेगा, वो है पहला प्रोडक्ट अपना जो है वो है पाइप। ओके एंड सेकंड प्रोडक्ट अपना वायर। सो वो फैक्ट्री मैंने बनाई है यहाँ पे, जो फैक्ट्री अपनी बनाएगी स्टार्टर। ओके सो यहाँ पे करीब है मशीनें, यहाँ पे 14 मशीनें ही हैं। ओके 3, 3, 6, 7 यस 14 मशीनें यहाँ पे भी। ओके सो एक मशीन चल रहेगी करीब 18 स्टील पाइप्स। ओके एंड 14 मशीन को चलाने के लिए करीब 240 के आसपास चाहिए स्टील पाइप, जो कि ये अपनी लाइन लेके आ रही 270। ओके सो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके सो ये लाइन भी मैं बताऊंगा स्टील हम कहाँ से लेके आए। ओके फिलहाल तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके कनेक्टेड यस, स्टील पाइप जाना स्टार्ट हो चुका है अपना। ओके सो मैं करता हूँ क्या कि इनको ना पावर भी दे ही देता हूँ। वैसे पावर पोल कहाँ पे है यार अपना, सीरियसली पावर पोल
फिर इस पावर को पावर लेके कहाँ से आएंगे? ओके सो पावर का मैनेजमेंट, ओके चलो ये वाले पोल से मैं पावर ले लेता हूँ फिलहाल। ओके चलो यार अभी कनेक्ट हो गया, सो मे बी पावर कनेक्टेड यस, सो सभी के अंदर एटलीस्ट पाइप तो स्टोर हो ही जाएगा। ओके और अभी अपने को चाहिए वायर। ओके सो वायर में लेके आने वाले हैं इस लाइन से। ओके हम लेके आने वाले हैं, सो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। प्लस मेरे को उधर जाने का है, सो मैंने लाइन बना के छोड़ दी है बीच बीच में। ओके वैसे तो हम सेव किक सेव प्लीज जल्दी ताकि हम जा सके आगे। ओके सो ये स्टील पाइप अपना जो आ रहा है ना वो आ रहा है नीचे से एनकेस्ट बीम वाली से। ओके ये एनकेस्ट बीम, वाह एनकेस्ट बीम हम जहाँ पे बना रहे थे ना यहाँ पे, सो यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें जो पाइप बना रही है। ओके और अभी अपने को एनकेस्ट बीम की इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है और हम 100 बना रहे हैं। ओके और अपने को ज़्यादा एनकेस्ट बीम नहीं चाहिए यार, क्योंकि अभी पावर का लफड़ा चल रहा है तो सारी मशीन हम चला भी नहीं सकते। ओके सो मैंने ये हाफ मशीन है ना जो इधर की साइड वाली ये सारी बंद कर दी है ये वाली मशीन। ओके सो पावर कनेक्ट डिसकनेक्ट कर दी मैंने यहाँ से, सो अपनी हाफ मशीनें चल रही हैं। ओके सो अपने को स्टील पाइप अब ज़्यादा चाहिए नहीं है अगर अपनी मशीनें बंद हो जाएँ तो। ओके सो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो अपनी सेकंड वाली लाइन लेके आ रही थी ना यहाँ पे एक स्प्लेटर मार दिया मैंने। ओके और यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्टील पाइप अपने। ओके सो मे बी बाद में अगर हम अपनी मशीनें वो वाली स्टार्ट करेंगे ना तो हम और बना देंगे स्टील पाइप बनाने के लिए मशीनें। ओके सो यहाँ से बना रहा था स्टील पाइप, प्लस अपने को लेके आनी वायर जो कि हम लेके आएंगे दूसरी वाली फैक्ट्री से। ओके सो मैं फटाफट चलता हूँ दूसरी वाली फैक्ट्री पे पहुँचता हूँ। ओके सो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली वायर वाली फैक्ट्री पे। ओके सो यहाँ पे अपनी करीब 5 स्टोरेज थी। ओके और 5 स्टोरेज में से करीब 4 स्टोरेज अपनी ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं वायर वाली। ओके और अपनी एक स्टोरेज बाकी है, सो अपने को चाहिए करीब 795 यानी 800 के आसपास अपने को चाहिए ऑलमोस्ट क्विक वायर। सो अपनी यहाँ पे करीब 800 क्विक वायर, 900 सॉरी वायर है अपनी, क्विक वायर नहीं वायर। ओके सो हम इसको लेके जाने वाले 2 लाइनों के जरिए। ओके सो लाइनें मैंने कंप्लीट बना दी है, बस ये दोनों लाइनें कनेक्ट करनी है यहाँ से। ओके मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। ओके बाकी हम पूरे रास्ते जाने वाले होंगे। ओके सो ये करीब यहाँ से ओके जा रही है अपनी। ओके सो पूरे रास्ते मैंने बनाया है इसका लेके जाने के लिए इसके नीचे से। ओके डिज़ाइन मस्त बनना चाहिए अपना यार, डिज़ाइन ज़बरदस्त बनाया मैंने। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे प्लस यहाँ से हमने ऊपर चढ़ा दिया इस लाइन को और फिर लेके गए हम घुमा के उस तरफ। ओए सीरियसली स्पीड नहीं मिली यार मेरे को चढ़ने के लिए। ओके कंप्लीट यहाँ से और अपनी सीधी फैक्ट्री के अंदर। ओके ओके सो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और ये दोनों लाइनें अपने को कनेक्ट करनी है। ओके सो हाफ लाइन हाफ हम इस तरफ से इस्तेमाल करने वाले, हाफ उस तरफ से। ओके सो मैंने कैलकुलेशन वगैरह इसकी करके और मशीनें ऑलरेडी बना दी है। चलो यार इस लाइन को इधर से मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके सो वायर स्टार्ट यस। ओके बट पाइप्स आना स्टॉप क्यों हो गए हैं? ओह सीरियसली गलत लाइन से हमने कनेक्ट कर दी यार। सो अभी हम करें तो करें क्या? सो मैं क्या सोच रहा हूँ, वैसे अपने को ना पाइप्स ना नीचे कनेक्ट करने थे यार नीचे की साइड से और अभी सभी मशीनों के अंदर फिल हो चुके हैं ना, सो थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है उस तरफ से, मैंने गलत कनेक्ट करके रखा था ऑलरेडी। ओके सो अभी हम करने क्या वाले हैं कि तो ऊपर की साइड से मैं इसको कर देता हूँ नीचे, यस राइट। ओके अभी पाइप जा सकता है आगे बिकॉज हमें सेकंड लाइन तो लेके नहीं जानी आगे, वो उस तरफ से लेके आनी है हमें। ओके सो करते क्या कि इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कनेक्ट, प्लस तो हम करते हैं यहाँ पे। ओके सो अपनी वायर आ गई फाइनली, यस सो वायर ब्लोनाइन के अंदर स्टार्ट एंड स्टार्टर बनना अपना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके वहाँ पे बन भी चुके हैं स्टार्टर फाइनली, यस और वो स्टोरेज के अंदर जा रही है फाइनली, नाइस।
ओके सो क्विक वायर चाहिए 60 पर मिनट। ओके सो अपनी आ रही करीब वहाँ से 450 के आसपास मे बी। ओके सो करीब 8 मशीनें चल सकती हैं, तो 4 उस तरफ है, 4 इस तरफ है, यहाँ तक 8 मशीनें अपनी चल रही हैं क्विक वायर से इधर की साइड, और 8 मशीन सॉरी 6 मशीनें उधर। ओके सो वो कंटेनर हमने इसलिए बनाया था वायर वाली फैक्ट्री पे कि वो दोनों मैनेज करके जिस तरफ से जितनी ज़रूरत है ना वो मैनेज करके भेज सकता है दोनों तरफ। ओके सो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वायर आएगा, वहाँ पे थोड़ा कम क्विक वायर आएगा, सॉरी वायर यार मैं बार बार क्यों क्विक वायर बोल रहा हूँ। ओके सो सबके अंदर रेसिपी सेलेक्ट है, पावर कनेक्टेड है। ओके सो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वाली रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्टर की। ओके सो ये अपने स्टार्टर बनने स्टार्ट यहाँ पे। ओके फाइनली चलो 24 स्टार्टर ऑलरेडी बन चुके हैं अपने। ओके और जो अपनी लाइन है ना ये स्लो ही बनाई है मैंने, थोड़ी स्लो बनाई है, वैसे तो हम और भी स्लो बना सकते थे इसको, बट थोड़ी देखने में ठीक लग रही है बिकॉज अपने को करीब 80 से ज़्यादा स्टार्टर अपने को बनाने हैं जो हम लेके जाएंगे यहाँ से। सो मे बी 120 वाली ज़्यादा बेटर है। ओके ताकि रिसोर्स अपना धीरे धीरे लाइन के ऊपर से चलेगा, बट फिर भी मैंने 240 वाली बना दी है। ओके ओके सो अभी हमें जाना है यहाँ से आगे, चलो इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके मैंने ऑलरेडी रास्ते वगैरह सारे सेट करके रखे हैं। ओके यहाँ से हम लेके जाएंगे स्टार्टर्स। ओके लाइन लग चुकी है स्टार्टर्स की, देख रहे हो, और यहाँ से कन्वेयर बेल्ट के जरिए ऊपर पूरा थर्ड फ्लोर पे जाएंगे हम यहाँ से। ओके लेकिन मेरे को चढ़ूँ कैसे यार मैं इसके ऊपर, सीढ़ियाँ हैं यार उधर, क्या हम चढ़ सकते हैं, क्या हम चढ़ सकते हैं, यस चढ़ गए। ओके स्टार्टर आ गया अपने फाइनली। ओके नाइस, एक बारी स्टार्टर सबके बाहर तक चले जाएंगे ना तभी मैं पावर से कनेक्ट करूँगा। ओके ताकि धीरे धीरे मशीनें स्टार्ट रहे अपनी। ओके जैसे जैसे बनेंगे ना धीरे धीरे आ जाएंगे आगे, वैसे अपने को थोड़ा टाइम देना चाहिए था ताकि एटलीस्ट एक स्टोरेज अपनी फिल हो जाती। वैसे यार इस गेम में ना FPS कभी भी ठीक नहीं आएंगे, अभी भी 20-25 FPS आ रहे हैं बिकॉज यार डेटा इतना ज़्यादा है कैलकुलेशन का। ओके सो यह मे बी जल्दी स्टार्टर की लिमिट बढ़ जाएगी अपनी, सॉरी स्पीड बढ़ जाएगी बनने की जैसे सबके अंदर रिसोर्स पहुँचेगा अपना। ओके सो थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते हैं अपन, ये फील हो रहा है दोनों तरफ एंड तक पहुंचने वाला है। कितना स्टेटर चाहिए यार इसको चलने के लिए, 6 स्टेटर चाहिए। चलो तो फिर वो आ ही जाएगा धीरे धीरे, अपन करते क्या है कि यहाँ पे पावर लेके आने यार यहाँ पे। ओके सो पावर यार मैं लेके आया। ओके नीचे वाली लाइन से, वहाँ से नीचे वाली क्विक वायर वाली फैक्ट्री से। ओके वहाँ से उस वाले फ्लोर पर, उस वाले फ्लोर से इस वाले फ्लोर पर, एंड यहाँ से हम लेके जाएंगे उस वाले फ्लोर पे। ओके सो बड़ा ही घुमा करा के लेके आना पड़ा यार पावर, क्योंकि सब यार बड़े फास्ट फास्ट आता है यार। ओके सो मे बी यहाँ पे। ओके सो अभी तो हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको पावरफुल बना के। ओके सही हो चुका है पावर कनेक्टेड और अपनी मशीनें हो चुकी हैं स्टार्ट। ओके एनिमेशन देख रहे हो मस्त है ना, क्योंकि बीच वाली लाइन में भी थोड़ी फास्ट बनाई है मैंने और ये वाली स्लो है थोड़ी। ओके वहाँ तक 240 आ रहा है। ओके सो ये वाली लाइन सॉरी 120 बनाना चाहिए था, मेरी 120 है वो। ओके ये वाली लाइन 120 है। ओके एंड ये वाली लाइन है ना जो 60 वाली है, ताकि थोड़ा और स्लो आए ताकि आगे जा सके। वैसे तो हम चाहें तो इसको भी थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ओके और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड बनना स्टार्ट, यस फाइनली। ओके सो मैं इसको पहले करता हूँ डिसकनेक्ट, क्योंकि अभी हमें आगे भेजना नहीं है, अभी हमें करना क्या है,
ओके सो इस लाइन को लेके जाना स्टोरेज के अंदर, प्लीज स्टोरेज के अंदर लेके जाना अपने को। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड करीब अपनी बनेगी कितनी, 26 ही बनेंगी। ओके 26 से थोड़ी सी ज़्यादा बनेंगी, तो मैं नॉर्मल वाली ले रहा हूँ फिर, 60 वाली। ओ वाओ, बिना स्टैक्स बनाए हम पूरा लेके आ सकते घुमा के। नाइस मैनेजमेंट। चलो भाई साहब, फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड अपने पास आ चुकी है। वाओ एक स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके वाओ नाइस। ओके सो यहाँ पे अपनी आके स्टोर हो जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड। ओके और अपने को यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड लेके जानी है अपनी फैक्ट्री पे, न्यूक्लियर वाली फैक्ट्री पे, वहाँ पे। ओके सो हम इनको लेके जाने वाले ट्रेन्स के ज़रिए। सो मैंने यहाँ पे ना ये लाइन कनेक्ट कर दी है यहाँ इस वाली लाइन पे, क्योंकि ये वाली लाइन है ना जो कंप्लीट पूरे मैनेजमेंट के साथ में और जा रही है स्टेशन तक। ओके सो अभी हम इसके साथ साथ जाएंगे। ओके इसके ऊपर से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड जो है वो आ जाएंगे। ओके अभी आएंगी स्लो स्लो बन के। ओके लेट्स गो। सो ये रास्ता अपना यहाँ से जाने का, कन्वेयर बेल्ट यहाँ से जाएगी अपनी इसके नीचे से होते हुए प्लस यहाँ से, जैसे एक रोड ये जा रही है अपनी यहाँ पे। ओके सो ये कुछ पहले निकल आई थी वहाँ से। ओके इस वाले रास्ते से होके जाएंगे हम लोग। ओके मैनेजमेंट देखो यार, मैनेजमेंट किस तरह से किया मैंने। ओके और यहाँ पे कॉर्नर से और सीधा यहाँ पे। ओके इसके अंदर स्टोरेज के अंदर, और इस वाली स्टोरेज से हम जाएंगे स्टेशन के अंदर जो हम सेंड करेंगे। ओके प्लस यहाँ से अपने को सेकंड प्रोडक्ट जो लेके जाना था वो था अपनी एनकैश्ड बीम। सो एनकैश्ड बीम भी अपनी आ चुकी है ऊपर से। ओके सो हम ऊपर तो स्टोर कर ही रहे थे इसके ऊपर, और वहाँ से हमने स्प्लिट करके और इस वाली स्टोरेज के अंदर फुल भरी हुई ये वाली स्टोरेज भी अपनी। ओके सो ये फिल हो जाएगी जल्दी, और यहाँ पे वो कंट्रोल रोड आके और फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सो अब ये अपने को करना है क्या नेक्स्ट, वहाँ पे यार एक अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, सीरियसली अपने को वहाँ पे चाहिए कंक्रीट। ओके सो वहाँ पे एक माइन है कंक्रीट की, लेकिन वो वाली है इम्प्योर। ओके लेकिन अपने को यार कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लाइम स्टोन एटलीस्ट 360 के आसपास अपने को लाइम, अपने को लाइम स्टोन चाहिए जो कि बनाएगा कंक्रीट। सो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक स्टोरेज और बना देते हैं, तीन प्रोडक्ट हम तीनों यहीं से लेके जाते हैं। ओके वहाँ पे सो मैं करता हूँ, क्योंकि तीसरी स्टोरेज यहाँ पे बनाता हूँ प्लस माइनर वहाँ से बना के और मैनेजमेंट कर देता हूँ इसका। ओके एंड देन हम मिलते हैं। ओके सो गाइज हमने फाइनली MK माइनर 2 बना दिया। ओके यहाँ पे ओके सो मैंने उस तरफ नहीं बनाया बिकॉज वो भी इम्प्योर वाली थी माइन थी जो। ओके सो एक माइन यहाँ पे थी अपने ये वाली क्वार्ट्स वाली फैक्ट्री के साइड में। ओके यहाँ पे सो ये प्योर माइन एकदम, और मैंने यहाँ पे करीब 2 पावर शेड्स लगा दिए और एक्टिव कर दिया। ओके 200% भी हमने चला दिया इसको, और ये करीब 480 पर मिनट निकाल रही है। ओके अगर हम 3 पावर शेड्स चलाते ना तो ये 600 निकाल सकती है, लेकिन अपने पास जो लिमिट है ना कन्वेयर बेल्ट की वो ओनली 480 की है, तो इससे ज़्यादा चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके बिकॉज अभी हमने कन्वेयर बेल्ट जो है MK5 वाली अभी हमने बनाई नहीं है, जो कि 780 रिसोर्स पर मिनट लेके जा सकती है। ओके सो वैसे अपने को करीब 360 के आसपास ही चाहिए। सो ये अपना जा रहा है यहाँ से घूमते हुए। ओके और पूरी लाइन मैंने यहाँ से बना दिया। ओके वहाँ से आगे से घूम के आ रहा है ये, और फिर जा रहा है नेक्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर स्टोर। ओके
सो यहाँ पे अपने पास तीन प्रोडक्ट आ चुके हैं, लाइमस्टोन आ चुका है प्लस एनकेस्ट बीम आ चुकी हैं प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड भी आ चुकी हैं फाइनली। ये ओके सो अभी हमें करना है क्या कि इन तीनों स्टोरेज को ना तीन लाइनों के जरिए और यहाँ पे इन तीनों के अंदर लोड करना है अपने को। ओके ओके सो गाइस फाइनली मैंने तीनों लाइनें सही करके एकदम से कनेक्ट कर दी। ओके सो फर्स्ट वाले स्टोरेज के अंदर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड ओके इस वाले स्टेशन के अंदर अपना फिल हो रहा है। ओके सेकंड के अंदर एनकेस्ट बीम प्लस थर्ड के अंदर लाइमस्टोन। ओके सो यहाँ पे अपने तीन फ्राइट स्टेशन बने हुए हैं। ओके और यहाँ पे अपना एक स्टेशन बना हुआ है ट्रेन स्टेशन प्लस तीन फ्राइट स्टेशन अपने बने हुए हैं यहाँ पे एंड एक आउटसाइड में एक उस तरफ बना हुआ अपना। ओके सो ये वाले स्टेशन किस काम आएंगे, यहाँ पे ट्रेन रोकने के लिए काम आएंगे क्योंकि इन वाले स्टेशन को अपन नाम भी दे सकते हैं नाम। ओके जैसे मैंने वन आउट दिया हुआ है, जो अपनी ट्रेन जाएगी ना वो यहाँ से जाएगी। ओके इस वाले स्टेशन से सामान लोड करके एंड न्यूक्लियर फैक्ट्री पे जाएगी और न्यूक्लियर फैक्ट्री पे अनलोड करेगी। ओके एंड उसके बाद जाएगी क्रिस्टल फैक्ट्री पे ट्रेन अपनी और क्रिस्टल फैक्ट्री से लोड करके सामान अपना और वो खाली करेगी इस वाले स्टेशन पे अनलोड करेगी। ओके और फिर वापस घूम के और इधर आएगी और फिर वापस लोड करके लेके जाएगी, तो ये अपना सेटअप रहेगा। ओके सो एक्चुअली अपने को तीन वैगन तो यहाँ से चाहिए अपने को। ओके अपने यहाँ से तीन स्टोरेज हैं जो स्टोर करके लेके जा रहे हैं। ओके तीन अपने कंटेनर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके और एटलीस्ट दो क्रिस्टल के कंटेनर्स तो हम वहाँ से लेके आएंगे। सो हमें एटलीस्ट दो स्टेशन और बनाने पड़ेंगे इसके पीछे। ओके ताकि अपनी पूरी ट्रेन आ सके स्टेशन के अंदर। ओके सो लेट्स ट्राई। सो यहाँ पे ये डिलीट मैं कर देता हूँ प्लस एम्प्टी स्टेशन हम बना देते हैं यहाँ पे। ओके सो एम्प्टी स्टेशन बनाने के लिए क्या चाहिए था, वाओ रिसोर्स है मेरे पास नाइस। ओके स्नैप वन एंड टू। ओके दो स्टेशन काफ़ी है क्योंकि हम फाइव वैगन्स की ट्रेन हम यहाँ पे चलाने वाले हैं। ओके सो इतनी हमें ज़रूरत है फिलहाल, तो मैं इसको करता हूँ वापस से कनेक्ट रेलवे ट्रैक अपना। ओके सो यहाँ पे अपना ट्रैक अपना कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे भी अपने को सिम टू सिम वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को पांच स्टेशन चाहिए। ओके सो लास्ट वाले अपने को दो यहाँ पे अनलोडिंग चाहिए स्टेशन। ओके यहाँ पे लास्ट वाले दो स्टेशन अनलोडिंग वाले चाहिए अपने को। सो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे भी सेम टू सेम हम वही बना देते हैं, बट इस बार ही हम इसके आगे ना खाली स्टेशन हम यही नहीं बनाने वाले खाली वाले स्टेशन, बिकॉज पीछे वाले स्टेशन जो दो है ना वो ही अपने यूज़ होएंगे, बिकॉज क्योंकि ट्रेन उस तरफ से ना सेकंड जो लास्ट वाले दो कंटेनर्स हैं ना उनके अंदर ही भर के लेके आएगी और यहाँ पे लाके अनलोड करेगी। ओके लेकिन मेरा प्लान ये है कि उस तरफ से जो बॉक्स सेट लेके आएंगे ना उस वाली ट्रेन से उस साइड से, तो वो भी मे बी यहाँ पे हम खाली करवा सकते हैं क्या, या नहीं 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 यहाँ पे हम खाली नहीं करवाएंगे यार, उसके लिए एक सेपरेट स्टेशन बनाएंगे हम लोग, तो ज़्यादा बेटर है मे बी। ओके सो लेट्स गो। तो फिर ये भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके सो यहाँ पे हम एम्प्टी स्टेशन बना देते हैं वन एंड टू एंड सीरियसली कांट अफोर्ड। ओके मेरे को क्या क्या चाहिए, फ्रेम चाहिए मेरे को। ओके सो एक एम्प्टी स्टेशन बन जाए यार भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ सीरियसली बन नहीं रहा था स्टेशन। ओके अब ये ट्रेन स्टेशन अपना एक यहाँ पे। ओके सो क्योंकि ट्रेन इस तरफ से जाएगी ना तो वो फर्स्ट वाले तीन लोड करके लेके जाएगी और उस तरफ से आएगी तो ये लास्ट वाले दो एम्प्टी रहेंगे यहाँ पे। ओके सो आते वक्त क्रिस्टल भर के लाएंगे लास्ट वाले दो में। ओके सो वो हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे। वैसे अगर हम चाहें तो सेम डिब्बो का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो पता हम क्यों क्यों नहीं करेंगे। सपोज दैट
आपको लग रहा होगा कि भाई हम यहाँ से 3 वैगन लेके जाएंगे और उनके अंदर ये लोड रहेगा और वहाँ पे अनलोड कर देंगे ओके स्टेशन पे, और फिर हम क्रिस्टल भर के उन्हीं 3 डब्बों के अंदर भर के लेके आ सकते हैं बिकॉज वहाँ पे वो खाली हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है ओके, ऐसा क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ ओके। सपोज दैट कि ये 3 वैगन हम यहाँ पर लेके गए हैं ओके, लेकिन हुआ क्या कि ये जो एनकैश्ड बीम है ना वहाँ पे ओनली अपने को सिर्फ चाहिए 16 या 17 एनकैश्ड बीम अपने को चाहिए, और वहाँ पे वो कंटेनर फुल हो गया तो बाकी वाला है ना जो अपना वो अनलोड होगा नहीं। मान लो वहाँ पे 100 की जगह है तो 100 अनलोड हो जाएगा, बाकी इसी के अंदर भरा रहेगा और वो फिर वापस उस स्टेशन पे जाएगा क्रिस्टल वाले पे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, वो मिक्स हो जाएगा और वो यहाँ पे ला के अनलोड कर देगा तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, एकदम ग्लिच प्लिच हो जाएगा सब कुछ इधर उधर ओके। सो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, वो अपना फेल हो जाएगा। सो अपने को करना क्या है कि उनके लिए ना क्रिस्टल भर के लेके आएंगे, उनके सेपरेट बनाना है। सपोज दैट कि इनके अंदर से वो खाली नहीं हुआ और यहाँ पे अपने 1 वैगन भरा हुआ है या 2 वैगन जो भी हैं स्टोर हुए पड़े अपने ओके, तो वापस घूम के आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, वो खाली स्टेशन पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे कोई अनलोड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले 2 वैगन से अपने अनलोड होंगे जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एम्पटी पे ओके। सो ये अपना मैनेजमेंट था, और वापस ट्रेन घूम के इधर आ जाएगी ओके। सो नो इशू। सो ये वाला स्टेशन है जो अनलोड के लिए अपने को सेलेक्ट करना है, ये दोनों अपने को ओके। सो ये वाली अनलोड यस, एंड ये वाला भी अनलोड या राइट, और ये ओके। सो ये वाला स्टेशन है अपना जो ये स्टेशन रहेगा इन ओके। सो ये अपना मेन वन स्टेशन रख देता हूँ इसका ओके, या फिर हाँ मेन वन ही रख देता हूँ, मेन स्टेशन, मेन स्टेशन 1 अनलोड, अनलोड इन ओके, ये रख सकते हैं या फिर इसका नाम क्रिस्टल भी रख सकते हैं, क्रिस्टल अनलोड स्टेशन ऐसा ओके। चलो ये रख देते हैं सर। रॉक ऑड्स शो शो ए आर्टिजर्ट यस अनलोड अनलोड, और इसको कर देते हैं हम इन ओके, और सेकंड वाला जो रहेगा अपना वो आउट रहेगा ओके, ताकि अपने को जब लाइन अपन कनेक्ट करें ना तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, एकदम सही कनेक्ट करेंगे तो ही ट्रेन चलेगी, अदरवाइज तो नहीं चलेगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी ओके। सो ये स्टेशन है ओके। सो रॉकवर्ड्स अनलोड आउट ओके, ये इस स्टेशन का हमने नाम रख दिया ओके। सो ताकि हम आसानी से रिमेंबर कर सके कौन सा वाला स्टेशन कौन सा, यहाँ से हम लेके जाएंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में ट्रेन्स के जरिए अपने अपने रिसोर्स ओके, और वहाँ पे जाके और न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह अपने को न्यूक्लियर फ्यूल रोड वगैरह बनानी है तो उसका भी मैनेजमेंट हम करेंगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। सो ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, इस वाले एपिसोड में हमने फाइनली क्या क्या बनाया देखो, AI लिमिटर्स हमने बनाए, स्टार्टर हमने बनाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड प्लस स्टेशन, काफ़ी सारा कुछ बना दिया यार हमने इस वाले एपिसोड में। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और मे बी नेक्स्ट वाले एपिसोड में अपने पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल रोड स्टोर हो जाए ओके। सो जल्दी मिलते हैं। सो ये डेफिनेटली यार लाइक सब्सक्राइब तो बनते हैं यार, प्लीज़ अपने अपने सोशल मीडिया पे यार सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो यार हर रोज़, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एंड लाइक प्लस कमेंट। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।